हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लाइकेबल। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में एसएससी के तरफ से जो एमटीएस की रिक्रूटमेंट आई है, यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, उसके बारे में बताने वाला हूं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको एमटीएस से एमटीएस रिक्रूटमेंट से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बात बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इसकी जॉब रोल सभी जानते हैं, जैसे कि मल्टीटास्किंग स्टाफ है। एंड जो इसकी क्वालिफिकेशन है, आपको 10th पास है। इसकी जो टोटल वैकेंसी है वो 10,000 प्लस वैकेंसी निकाली गई है। एंड जो इसकी सैलरी है वो आपको 5,200 रुपये से लेकर मैक्सिमम 20,200 रुपये प्रति माह है, पर मंथ है, ओके। एंड जो आपको जॉब लोकेशन है वो ओवरऑल इंडिया है। एंड जो इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है वो 22 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है। एंड जो इसकी लास्ट डेट है वो 29 मई है, यानी कि जो भी इंटरेस्टेड है वो 29 मई से पहले इसे रजिस्टर कर ले। अब बात करते हैं इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मस्ट है पास मैट्रिकुलेशन, या आपको कम से कम 10th पास होना है, या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई रिकॉग्नाइज बोर्ड से आप पास होने चाहिए। एंड अब जो इसकी बात करते हैं एज लिमिट की, तो 1 अगस्त 2019 तक आप 18 से 25 वर्ष के बीच में होने चाहिए। एंड जो एज में छूट मिलती है एज पर गवर्नमेंट रूल, वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। जैसे कि SC ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स की छूट है, OBC के लिए 3 ईयर्स, NPW कैंडिडेट के लिए 10 ईयर्स की छूट दी जाएगी। अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो दोस्तों, जो ये एग्ज़ाम होने वाली है ये 2 स्टेज में होगी। पहला आपको पेपर 1 होगा, दूसरा पेपर 2 होगा, ओके। पेपर 1 आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, ओके। तो पहले बात करते हैं पेपर 1 की, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है। इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। एंड जो लैंग्वेज होगी इसमें हिंदी एंड इंग्लिश, बोथ लैंग्वेज में आपको पेपर मिलेगी। तो बात करते हैं कि पेपर 1 में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो जैसे कि जो पहला सेक्शन है आपका वो जनरल इंग्लिश की है, इसमें 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आएंगे। दूसरा आपका जनरल इंटेलिजेंस लाइक रीजनिंग वगैरह, वो भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आएंगे। तीसरा जो आपके एप्टीट्यूड है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, वो भी 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स के आएंगे। एंड लास्ट जो आपका है जनरल अवेयरनेस GK GS, वो भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आएंगे। यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आपको पेपर 1 में दिए जाएंगे। अब बात करते हैं पेपर 2, जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप की है। इसमें आपको मेनली करना क्या है कि एक शॉर्ट एसे या लेटर इंग्लिश में लिखनी है, या फिर जो अदर लैंग्वेज है जो इंक्लूड की गई है उस लैंग्वेज में आपको लिखना है, जो कि आपको 50 मार्क्स की होगी। एंड इसके लिए आपको आधे घंटे का समय दिया जाएगा। एंड अब बात करते हैं इसकी क्वालिफाइंग मार्क्स की। तो जो भी अनरिजर्व कैटेगरी है उन्हें मिनिमम 40% मार्क्स लाने होंगे। एंड जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 35% है, ओके। तो रिजर्व कैटेगरी के लिए 35% मार्क्स ला के वो नेक्स्ट आगे से शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं। एंड जो अनरिजर्व है उन्हें 40% मिनिमम मार्क्स लाना होगा सिलेक्शन के लिए। एंड अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ी की। तो इसकी एप्लीकेशन फ़ी मात्र 100 रुपये है, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, OBC जनरल वालों के लिए है। एंड 0 रुपीज़ है SC ST PWD एंड ऑल फीमेल कैंडिडेट, इन्हें कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है। एंड इसकी जो मोड ऑफ पेमेंट है आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। जैसे कि ऑनलाइन में आप UPI के थ्रू कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, जो भी है जैसा स्क्रीन पे आप देख रहे हो, इन सब मेथड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। एंड चलान के थ्रू भी कर सकते हो। अब बात करते हैं कि इसे अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों, जो इसकी एप्लीकेशन लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड जो नोटिफिकेशन है वो भी उसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिलहाल मैं आपको इसकी साइट पे जाकर बता रहा हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो दोस्तों, ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो ये SSC की ऑफिशियल साइट है, ओके। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो बहुत सारी CGL CHL वगैरह है, तो यहाँ पे आपको अदर्स पे क्लिक करना है। अदर्स पे जैसे आप क्लिक करोगे MTS के लिए अप्लाई करने पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। तो देन आपको यहाँ पे लॉगिन की ऑप्शन आ रही होगी, तो इसे ओके करके हम जैसे जाओगे तो आप एक लॉगिन पेज पे आ जाओगे। तो दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आ रहे हो तो आपको सबसे पहले खुद को रजिस्टर करना है। बट अगर आप रजिस्टर्ड हो तो देन आपकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है एंड पासवर्ड है उसे डाल के आप लॉगिन करो। देन आप इसके लिए अप्लाई करो। एंड इसकी जो पेमेंट है, अगर आप अनरिजर्व हो तो पेमेंट कर दो एंड सबमिट कर दो, ओके।
एंड तो अब लास्टली इसकी जो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी सबमिशन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 22 अप्रैल से एंड 29 मई को एंड हो रही है। एंड जो इसकी लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन है वो 29 मई है एंड मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट 31 है, यानी कि 29 तक आप इसे रजिस्टर कर सकते हो। एंड बट अगर आपने फ़ीस पेमेंट नहीं की है तो इसके लिए आपको 31 तारीख तक की टाइम दी गई है। ओके एंड जो इसकी पेपर वन टीयर वन की एग्ज़ाम है डेट है वो आपको 2 अगस्त से लेके 6 सितंबर तक बीच में कभी भी एग्ज़ाम आपके आ सकते हैं। एंड जो दूसरा पेपर है डिस्क्रिप्टिव पेपर वो आपको 17 नवंबर को लिया जाएगा। ओके तो दोस्तों ये एमटीएस रिक्रूटमेंट से जुड़ी कुछ बातें थी। जो भी आपके दोस्त 10th पास हैं या नॉन टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं तो उनसे ये वीडियो शेयर करो और उन्हें भी बताओ एमटीएस रिक्रूटमेंट के बारे में। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग।